नमस्कार बंधुओं उत्कर्ष परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है मैं सहदेव चौधरी आप सभी को नमस्कार करता हूं सभी ठीक होंगे सुरक्षित होंगे अगला आज जो हम पढ़ रहे वाक्य शुद्धिकरण चल रहा था उसका आज अगला भाग है ध्यान से और पूर्ण मनोयोग से समझना तो वाक्य शुद्धिकरण में मैंने आपको बताया था कि वाक्य शुद्धिकरण को हम दो भागों में बांट के पढ़ते हैं एक तो पद क्रम संबंधी अशुद्धि होती है एक पद संबंधी अशुद्धि होती है हाँ बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है सभी का जालीदार जाट भाई तहे दिल से स्वागत अभिनंदन है आपका भी देखो अब सुनो तो मैंने आपको कहा था कि इसमें होता क्या है दो प्रकार से होती हैं है एक तो पद क्रम संबंधी और एक होती है पद संबंधी तो पद क्रम संबंधी अशुद्धियां पढ़ चुके थे पद संबंधी अशुद्धि चल रही थी जिसमें हम पहला नियम पढ़ चुके थे पहले नियम में मैंने आपको बताया था यदि किसी वाक्य में एक से अधिक कर्ता हो समान लिंग और एक वचन में हो तो वाक्य में प्रयुक्त क्रिया अलग अलग प्रकार से आती है मान लो यदि किसी वाक्य में क्या आ रहा हो एक से अधिक कर्ता आसमान लिंग और एक वचन में आ रहे हो अगर वो और या सभी लिख के नहीं आ रहा हो तो क्रिया किसके अनुसार आएगी अंतिम कर्ता के अनुसार और या सभी लिख रहा हो तो क्रिया किसके अनुसार आएगी क्रिया आएगी पुल्लिंग में और अंतिम कर्ता के अनुसार होगी लेकिन होगी तो और या सभी के अनुसार क्रिया आएगी ऐसे कह सकते हैं तो और या सभी आ रहा है तो क्रिया किसके अनुसार आएगी और या सभी के अनुसार आएगी अर्थात ऐसे कह सकते हैं कि पुल्लिंग और बहुवचन में आएगी तो ये सारी बातें आपको बहुत अच्छे से और ध्यान से समझनी है अब इसके आगे बात करेंगे दूसरा नियम दूसरा नियम क्या कहता है उसको भी बहुत अच्छे से और ध्यान से समझना है तो उसको भी समझिए देखो तो पदक्रम संबंधी अशुद्धि का दूसरा नियम है और दूसरा नियम क्या है इसको भी ध्यान देना यदि किसी वाक्य में यदि किसी वाक्य में कर्ता के साथ ने परसर्ग जुड़ा हो परसर्ग का अर्थ आप अच्छे से जानते हो कारक चिन्ह या विभक्ति चिन्ह कहते हैं इसी को परसर्ग कह देते हैं कारक चिन्ह कह देते हैं विभक्ति चिन्ह भी कह सकते तो जब किसी वाक्य में कर्ता के साथ ने परसर्ग जुड़ा हो और एक से अधिक कर्म प्रयुक्त हो और जुड़ा हो और एक से अधिक और एक से अधिक कर्म प्रयुक्त हो एक से अधिक कर्म प्रयुक्त हो तो वाक्य में प्रयुक्त क्रिया तो वाक्य में प्रयुक्त क्रिया अंतिम कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होती है अंतिम कर्म के अनुसार सोली किसके अनुसार प्रयुक्त होती है अंतिम कर्म के अनुसार प्रयुक्त होती है अंतिम कर्म के अनुसार प्रयुक्त होती है अंतिम कर्म के अनुसार प्रयुक्त होती है तो देखो इसमें बात क्या कही जा रही है इसको ध्यान से समझना और ध्यान देना क्या कहा यदि किसी वाक्य में क्या रहे हो कर्ता के साथ ने प्रसर्ग जुड़ा हो और एक और एक से अधिक कर्म प्रयुक्त हो तो वाक्य में प्रयुक्त क्रिया अंतिम कर्म के अनुसार प्रयुक्त होती है तो क्रिया किसके अनुसार आएगी अंतिम कर्म के अनुसार आएगी कैसे आएगी समझना हाँ बिल्कुल राधा रानी वर्षा ने गांव की थी बिल्कुल सही बात है वर्षा ने की थी राधा रानी हो सकता है ये मुझसे चूक हो गई होगी क्योंकि बरसाना मैं भी बहुत गया हूँ और मेरे पड़ोस में ही है इसलिए मैं जाता रहता हूँ नंदगांव वरसाना और ये बहुत प्रसिद्ध जगह है मथुरा है गोवर्धन है जी हैं ये सब बहुत नज़दीक है लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है तो बरसाने की है बिल्कुल सही बात है क्योंकि वरसाने की होली बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है और भगवान श्री कृष्ण बरसाने होली खेलने जाते थे तो ये बहुत प्रसिद्ध होती है होली बरसाने की पहले बरसाने जाते हैं लोग वाग उनको आमंत्रण करने के लिए फिर बरसाने से आते हैं तो ये होली बहुत प्रसिद्ध होती है बरसाने की मैं भी बहुत बार खेलने गया हूँ देखने गया हूँ अब समझो यहाँ पे तो मैंने क्या कहा कि यदि किसी वाक्य में कर्ता के साथ ने परसर्ग जुड़ा हो और एक से अधिक कर्म प्रयुक्त हो तो वाक्य में प्रयुक्त क्रिया अंतिम कर्म के अनुसार प्रयुक्त होती है कैसे होती है ये भी ध्यान रखना है वाक्य में लिंग का निर्धारण ध्यान रखना हिंदी व्याकरण में लिंग का निर्धारण संज्ञा या क्रिया के आधार पर नहीं प्रयोग या अर्थ के आधार पर किया जाता है ठीक है ना किसके आधार पर करते हैं प्रयोग या अर्थ के आधार पर तो ये आपको ध्यान रखना है अब देखिए इसमें जैसे मैंने यहां पर लिखा जैसे कर्ता के साथ में तो निपर्सर्ग जुड़ा हो और कर्म कितने हो एक से अधिक हो तो जो क्रिया आएगी वो किसके अनुसार आएगी अंतिम कर्म के अनुसार आएगी कैसे आएगी जैसे मैंने लिखा रमेश ने रमेश ने पेन पुस्तक और पेंसिल अब यहां क्या आएगा इसको ध्यान देना और ध्यान से समझना ठीक है ना समझ ना इसमें रमेश ने पेन पुस्तक और पेंसिल अब यहां क्या आएगा यह आपको ध्यान रखना है अब यहां पे क्या लिखेंगे मैंने लिखा रमेश ने पेन पुस्तक और पेंसिल खरीदा खरीदी या खरीदे इसका आपको ध्यान रखना है बिल्कुल बिल्कुल हाँ, इसका थोड़ा सा ध्यान देना और अच्छे से समझना मैंने क्या लिखा रमेश ने पेन पुस्तक और पेंसिल अब अंतिम कर्म क्या आ रहा है पेंसिल है अब पेंसिल पुलिंग है या स्त्रीलिंग है स्त्रीलिंग है तो क्या होगा खरीदी होगा रमेश ने पेन पेंसिल पेन पैं, पुस्तक और पेंसिल खरीदी अब इसको मैं ऐसे ना लिख के कैसे लिख देता तो इसमें जो क्रिया आ रही है वो किसके अनुसार आ रही है पेंसिल के अनुसार पेंसिल क्या है एक वचन है और स्त्रीलिंग है तो ये क्या है स्त्रीलिंग और एक वचन है तो यहां पर खरीदी ये भी किस में आया जो खरीदी शब्द है ये भी किस में आएगा तो आपको इसका भी ध्यान रखना है ये भी स्त्रीलिंग एक वचन में आएगा में आएगा स्त्रीलिंग एक वचन में आएगा इसमें अच्छे से समझ लेना कोई चीज ना समझ आए वे झिझक पूछ लेना अब देखो इसके आगे लिख रहा हूं मैं जैसे यहां पर लिखा मैंने रमेश ने पुस्तक रमेश ने पुस्तक पेंसिल और पेन खरीदा अब जो क्रिया आ रही है वो किसके अनुसार आ रही है अंतिम कर्म के अनुसार अंतिम कर्म क्या है पुल्लिंग है और एक वचन है तो क्रिया भी किसकी आई पुल्लिंग एक वचन की आई अब मैं इसको बदल रहा हूं बदल कैसे रहा हूं मैंने यहां पर लिखा रमेश ने पुस्तक पेंसिल और फैले अब क्या आएगा खरीदा आएगा क्या खरीदी आएगा क्या नहीं आएगा तो इसमें देखो क्या कहा जा रहा है यह आपको अच्छे से समझना है रमेश ने पुस्तक पेंसिल और पेन खरीदा अब यह जो क्रिया आई किसके अनुसार आई पेन के अनुसार अब दूसरे में लिखा मैंने रमेश ने पुस्तक पेंसिल और थैला लिखता तो खरीदा आता अब थैला की जगह मैंने क्या लिख दिया बहुवचन रूप थैला की जगह थैले लिख दिया तो ही खरीदा की जगह क्या होगा खरीदे हुआ क्या हुआ खरीदे अब ये खरीदे क्यों आया क्योंकि अंतिम जो कर्म आ रहा है वो क्या आ रहा है थैले आ रहा है अब थैले क्या है थैले क्या है यहां पर पुल्लिंग है और क्या है बहुवचन है पुल्लिंग और बहुवचन है तो जो खरीदे क्रिया है वो भी किस में आएगी पुल्लिंग और बहुवचन में हुई नहीं हुई तो यह भी किस में आ रहा है पुल्लिंग बहुवचन में आ रहा है अब यहां पे में आ रहा था पेन क्या है है और तो खरीदा भी क्या हो गया एक वचन हो गया यह भी पुल्लिंग एक वचन है तो यह भी क्या हो गया पुल्लिंग एक वचन हो गया तो क्या हो गया पुल्लिंग एक वचन हो गया तो यह पुलिंग एक वचन और यह पुल्लिंग बहुवचन क्यों हुआ अंतिम किसके अनुसार अंतिम कर्म के अनुसार तो मैंने क्या बताया नियम यदि किसी वाक्य में कर्ता के साथ में ने पर सर्ग जुड़ा हो और एक से अधिक कर्म प्रयुक्त हो रहे हो तो वाक्य में प्रयुक्त क्रिया किसके अनुसार आएगी? आएगी अंतिम कर्म के अनुसार आएगी अंतिम कर्म क्या है इसमें अंतिम कर्म यहां पर पेन था तो क्या हुआ पुल्लिंग एक वचन यहां पर थैले हैं पुल्लिंग बहुवचन तो क्रिया भी क्या हुई पुल्लिंग बहुवचन हुई नहीं हुई तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है ये गलतियां आपसे बहुत ज्यादा होती है जो ना हो इसका आपको ध्यान रखना अब और उदाहरण लिख रहा हूं ध्यान से समझिए मैंने लिखा यहां पर मेघना ने मेघना ने यहां पर लिखा मैंने मेघना ने थैला पुस्तक और पेंसिल अब पेंसिल लिखा तो क्या आएगा खरीदी हां बिल्कुल हां बिल्कुल इसको ध्यान रखना क्या कहा मैंने मेघना ने थैला पुस्तक और पेंसिल खरीदी अब इस पेंसिल की जगह पे मैं क्या लिख दू पेंसिलें अब क्या हो जाएगा खरीदी की जगह क्या होगा खरीदी हुआ क्या हुआ ये खरीदी की जगह खरीदी हुआ ये बहुवचन क्यों हुआ इसका कारण क्या है ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए ध्यान देना तो देखो यहां पे अब ये जो पेंसिल शब्द है ये किस में आ रहा है पेंसिल शब्द पेंसिल का पेंसिलें अब ये स्त्रीलिंग है और क्या है बहुवचन है तो जो क्रिया आएगी वो भी कौन सी आएगी स्त्रीलिंग बहुवचन की आएगी नहीं आएगी तो ये क्रिया भी कौन सी होगी स्त्रीलिंग होगी और बहुवचन होगी क्या होगी स्त्रीलिंग होगी और बहुवचन होगी तो ये बात भी आपको अच्छे से पता होनी चाहिए तो यहां तक कोई कंफ्यूजन है क्या ये भी आपको ध्यान रखना है हाँ बिल्कुल थोड़ा सा धैर्य रखा करो सब कुछ समझ में आएगा ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो आपको समझ नहीं आए क्योंकि सब्र एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती सब्र एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती ना किसी के कदमों में और ना किसी की नजरों में तो सब्र रखोगे तो आपको कभी भी किसी की नजरों में और ना किसी की कदमों में गिरना पड़ेगा तो ध्यान रखो ठीक है ना बहु का बहुवचन रूप क्या होगा बहु का बहुए हो जाएगा ए जोड़ देंगे हो जाएगा बिल्कुल हां घूमने के लिए क्यों नहीं होगा संप्रदान के लिए होता नहीं होता कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए होगा तो के लिए किस में आता है संप्रदान में होता है तो के लिए तो चिन्ह होगा उसका हाँ बिल्कुल तो ये बात समझ आई नहीं आई तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है ये भी आपको अच्छे से समझना है ठीक है ना हाँ बिल्कुल अब ये नियम के बाद में अगला नियम है यदि किसी वाक्य में यह नियम समझ आ गया होगा किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन नहीं होगी हर चीज को बहुत ध्यान से और अच्छे से समझना है तो यदि किसी वाक्य में कर्ता के साथ ने जुड़ा हो और एक से अधिक कर्म प्रयुक्त हो तो वाक्य में प्रयुक्त क्रिया अंतिम कर्म के अनुसार आती है तो यह भी ध्यान रखना देखो आप सुनीता मीणा जी ने लिखा है मीणा ने सेब आम और केले खरीदे बिल्कुल अब इसकी जगह में क्या लिख देता बहुत अच्छा उदाहरण है जैसे मैं यहां लिख देता हूं जैसे आपने कहा सीमा ने सेब मैंने कहा जैसे सीमा ने सेब आम और केले अब यहां क्या आएगा खरीदे आएगा क्योंकि केले क्या है पुल्लिंग है और बहुवचन है तो यह भी क्या हुआ पुल्लिंग बहुवचन हुआ नहीं हुआ अब मैं इसको ऐसे लिख देता सीमा ने केला आम और सब्जी अब सब्जी लिखी तो या खरीदा आया खरीदी होगा क्या होगा खरीदी क्या होगा खरीदी होगा क्योंकि अंतिम कर्म क्या रहा है सब्जी तो इसी के अनुसार आया नहीं आया अंतिम कर्म केले थे तो खरीदे आया तो ध्यान क्या रखना है कि यदि किसी वाक्य में कर्ता के साथ निप्रसर्ग हो एक से अधिक कर्म आ रहे हो तो वाक्य में प्रयुक्त क्रिया अंतिम कर्म के अनुसार आ रही है चाहे उसमें और जुड़ा हो या सभी जुड़ा हो कुछ भी जुड़ा हो यह भी ध्यान रखना है रहित और सहित में अंतर बता दीजिए रहित और सहित में अंतर नहीं पता रहित होता है बिना रहित का अर्थ क्या होता है बिना और सहित का मतलब क्या होता है साथ होता है रहित का मतलब बिना और सहित का मतलब सात होता है तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जिनका आपको विशेष ध्यान रखना है ठीक है ना हाँ बिल्कुल ले सकते हो आराम से अब आगे समझो तीसरा नियम अब बहुत अच्छी बात है जिसका आपको कई जगह काम आएगा हां बिल्कुल अगली जो बात मैं आपको बता रहा हूं वो आपको बहुत जगह काम आएगी उसको भी आप ध्यान रखना तीसरा नियम इसका तीसरा मतलब उदाहरण है दूसरे का तीसरा यदि किसी वाक्य में यदि किसी वाक्य में कर्ता और कर्म दोनों क्या हो परसर्ग सहित हो अर्थात कर्ता के साथ भी ने, ने परसर्ग जुड़ रहा हो और कर्म के साथ भी को परसर्ग जुड़ रहा हो तो वाक्य में प्रयुक्त क्रिया ना तो कर्ता के अनुसार आएगी ना कर्म के अनुसार आएगी बल्कि किसके अनुसार आएगी भाव के अनुसार आएगी किसके अनुसार आएगी भाव के अनुसार आएगी तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण बात है इसको समझना भाई मेरे अंतरराष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों ही शुद्ध रूप होते हैं दोनों का अलग अलग अर्थ होता है एक तो होता है अंतरराष्ट्रीय और एक होता है अंतर राष्ट्रीय ध्यान बस ऐसे रखना है जैसे होता है ना अंतरदेशीय और अंतरदेशीय इसमें रह अधूरा है इसका मतलब देश में ही घूमा है राष्ट्र में ही घूमा है अधूरा है इसका मतलब राष्ट्र के भीतर घूमा है और सभी राष्ट्रों में घूम लिया इसका मतलब पूरा हो गया तो राष्ट्र के भीतर और राष्ट्रों के बीच तो इसलिए इनका दोनों का अलग अलग उत्तर होता है तो अगला नियम क्या है यदि किसी वाक्य में यदि किसी वाक्य में कर्ता और कर्म यदि किसी वाक्य में कर्ता और कर्म दोनों ही परसर्ग सहित हो सहित का मतलब साथ हो रहित का मतलब बिना हो यदि किसी वाक्य में कर्ता और कर्म दोनों ही परसर्ग सहित हो यदि किसी वाक्य में यदि किसी वाक्य में कर्ता और कर्म यदि किसी वाक्य में कर्ता और कर्म दोनों ही परसर्ग सहित हो तो कर्ता और कर्म दोनों परसर्ग का मतलब कर्ता के साथ में ने परसर्ग जुड़ा हो और कर्म के साथ में को परसर्ग जुड़ा हो तो दोनों ही परसर्ग सहित हो तो वाक्य में प्रयुक्त क्रिया तो वाक्य में प्रयुक्त क्रिया ना तो कर्ता के अनुसार आती है तो वाक्य में प्रयुक्त क्रिया ना तो कर्ता के अनुसार आती है और ना ही कर्म के अनुसार आती है और ना ही कर्म के अनुसार आती है और ना ही कर्म के अनुसार आती है बल्कि भाव के अनुसार प्रयुक्त होती है भाव के अनुसार प्रयुक्त तो होती है यदि किसी वाक्य में क्या कहा जा रहा है इसको अच्छे से समझो हां बिल्कुल भारती वर्मा जी हेल्पलाइन नंबर है अठानवे उन्तीस दो सौ तेरह दो सौ तेरह कॉल सेंटर का जो नंबर है वो है अठानवे उन्तीस दो सौ तेरह दो सौ तेरह ठीक है ना अगर आपको कोई समस्या हो कॉल सेंटर का नंबर है ये उत्कर्ष का अठानवे उन्तीस दो सौ तेरह दो सौ तेरह अब देखो इसमें ध्यान देना मैंने क्या कहा यदि किसी वाक्य में कर्ता और कर्म दोनों ही प्रसर्ग के सहित हो तो वाक्य में प्रयुक्त क्रिया ना तो कर्ता के अनुसार आती है हाँ बिल्कुल और ना ही कर्म के अनुसार आती है बल्कि भाव के अनुसार होगी तो बिल्कुल इसका आपको ध्यान रखना है अच्छे से समझना है ठीक है जैसे मैंने लिखा यहां जैसे बहुत महत्वपूर्ण और जरूरी बात है जैसे मैंने यहां पर लिख दिया कृष्ण ने राधा को देखा कृष्ण ने राधा को देखा कृष्ण ने राधा को देखा हाँ बिल्कुल तो यहां पे मैंने क्या कह दिया कृष्ण ने राधा को देखा अब इसमें देखिए कर्ता के साथ भी ने परसर्ग है और कर्म के साथ भी को परसर्ग है तो जो वाक्य में प्रयुक्त क्रिया होगी वो ना तो कर्ता के अनुसार होगी और ना ही कर्म के अनुसार होगी बल्कि किसके अनुसार होगी भाव के अनुसार अब इसमें एक बात और जोड़ना चाहो तो इतना जोड़ सकते हो कि इसमें जो क्रिया आएगी वो हमेशा अन्य पुरुष की होगी पुल्लिंग की होगी और एक वचन में ही होगी समझ में आ रहा नहीं आ रहा तो इसको थोड़ा सा और बढ़ाने के लिए मैं इसमें एक चीज और ऐड कर देता हूं जिससे कि आपको और भी सरल लगे कंफ्यूजन ना रहे जैसे क्या लिखा बल्कि भाव के अनुसार आ होती है तथा किसके अनुसार होती है भाव के अनुसार होती है तथा तथा पुलिंग अन्य पुरुष और एक वचन में होती है अब ये बात भी मैंने जोड़ दी इससे और ज्यादा आपको सरल लग जाएगा ये आराम से समझ में आ जाएगा तो इसमें मैंने देखो जो बात बताई वो क्या बताई ये आपको ध्यान रखना है हाँ बिल्कुल तो वाक्य में प्रयुक्त क्रिया किसकी होगी पुल्लिंग की होगी अन्य पुरुष की और की और एक वचन में होती है तो इसका भी आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो तो ये समझ आ गया होगा अब इसके उदाहरण समझो उदाहरण से ये आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा बिल्कुल हाँ देखो जैसे अब मैं यहां लिख रहा हूं जैसे अब एक उदाहरण लिखा था ना हमने कृष्ण ने राधा को देखा अब देखो इसमें कुछ भी बदल देना ये रहेगा ये परसर्ग क्या होता है परसर्ग कहते हैं कारक चिन्ह या विभक्ति चिन्ह को ने है को है, से है के लिए है ये परसर्ग होते हैं तो इनको कारक चिन्ह भी कह देते हैं इनको परसर्ग भी कह देते हैं तो यही होते हैं तो इसका ध्यान रख लेना ये उप, उपनाम होते हैं। देखो तो मैंने लिखा कृष्ण ने राधा को देखा कृष्ण ने राधा को देखा अब यहां पे जो क्रिया आ रही है देखा ये किस में आ रही है इसका आपको ध्यान रखना है कृष्ण ने राधा को देखा इसमें जो क्रिया आ रही है वो किस में आ रही है इसका आपको ध्यान रखना है देखो सबसे पहली बात देखा पुल्लिंग है कि नहीं है देखा है इसका मतलब ये पुल्लिंग है कि नहीं है तो सबसे पहली बात पुल्लिंग है दूसरी बात एक वचन है कि नहीं है देखे नहीं है देखा है एक वचन है और किस में आएगा पुल्लिंग अन्य पुरुष और एक वचन में आती है तो अन्य पुरुष है ये किसी के लिए नहीं अन्य के लिए आ रहा है और किस में आ रहा है अन्य पुरुष और एक वचन में आ रहा है एक वचन यही बात तो मैंने कही थी अब आप इसको कैसे भी बदल दो कैसे भी बदल दो बदल कैसे दो अब कृष्ण की जगह आप राधा लिख दो कृष्ण की जगह आप क्या लिख दो राधा तो क्या लिखेंगे राधा ने कृष्ण को देखा मैंने लिंग बदल दिया कोई बदलाव हुआ क्या नहीं हुआ कोई भी बदलाव नहीं हुआ देखा का क्या बन रहा है देखा ही रह रहा है लिंग बदल दिया ये फिर भी किस में आ रहा है समान बिल्कुल यही सेम चीज इसमें आ रही है नहीं आ रही बिल्कुल पुल्लिंग अनपुरुष पुरुष और एक वचन में आ रहा है तो यह भी किस में आया पुल्लिंग अन पुरुष एक वचन में आया नहीं आया तो वैसे ही ये भी किस में आया सेम इसी में आ रहा है ये भी किस में आ रहा है बिल्कुल समान इसी में आ रहा है कुछ भी बदल दो ये जैसा है वैसा ही रहेगा हाँ बिल्कुल आगे देखिए मैंने यहां पर ये लिखा अब इसके बाद में मैं लिख रहा हूं मैंने लिखा कृष्ण ने कृष्ण ने ग्वालों को देखा अब कृष्ण ने ग्वालों को देखा अब मैंने देखो ग्वाले कर दिए ग्वालो बहुवचन रूप हो गया कृष्ण ने ग्वालों को देखा अब बताइए इसमें देखा ही आया नहीं आया कोई भी बदलाव हुआ क्या देखा ही रहा नहीं रहा अब ये भी किसमें आ रहा है पुल्लिंग अन्य पुरुष एक वचन में है कि नहीं है किसमें आया ये भी पुल्लिंग अन्य पुरुष और एक वचन में आया में आ रहा है पुल्लिंग अन्य पुरुष और एक वचन में आ रहा है अब इसका रूप में और बदल रहा हूं मैंने क्या लिखा ग्वालों ने क्या लिख दिया मैंने ग्वालों ने कृष्ण को देखा अब बताइए कर्ता के अनुसार आ रही है क्या क्रिया नहीं आ रही कर्म के अनुसार आ रही है क्या नहीं आ रही तो किसके अनुसार आ रही है भाव के अनुसार आ रही है तो ध्यान रखना इस बात का बहुत महत्वपूर्ण और जरूरी बात है जिसका आपको अच्छे से पता होना चाहिए तो यह भी किस में आया तो आपको अच्छे से पता है किस में आ रहा है ये भी अन्य पुरुष और एक वचन में आ रहा है आ रहा है नहीं आ रहा तो सारी बातें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए कुछ भी रटना नहीं है समझना है कुछ भी रटना नहीं है समझना है तो क्या कहा था मैंने कि यदि किसी वाक्य में यदि किसी वाक्य में कर्ता के साथ भी ने परसर्ग जुड़ा हो और कर्म के साथ भी को परसर्ग जुड़ा हो तो वाक्य में प्रयुक्त क्रिया ना तो कर्ता के अनुसार आती है और ना ही कर्म के अनुसार आती है बल्कि भाव के अनुसार आ रही है तो ये भाव के अनुसार प्रयुक्त है कि नहीं कुछ भी करो कैसे भी बदल दो नहीं बदलेगा बात मत किया करो केवल पढ़ाई पर ध्यान दिया करो बिल्कुल सही कह रहे अजय प्रजापति भाई हाँ बिल्कुल क्योंकि पढ़ाई पे ध्यान रखोगे तो कहते ना कि सपने और लक्ष्य में एक ही अंतर है सपने और लक्ष्य में एक ही अंतर है सपने के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए सपने के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए और लक्ष्य के लिए बिना नींद की मेहनत चाहिए तो बिल्कुल अंतर इनका यही है इसके लिए ध्यान से समझा करो अच्छे से समझा करो तो ये बातें समझ आ गई होंगी यहां तक के नियमों में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है सबके अच्छे से समझ आ गया होगा हां बिल्कुल हां तो इसका भी चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो आ गया समझ में तो इसका भी आपको ध्यान रखना है अच्छे से समझ लेना है ठीक है ना हाँ तो इसमें देखिए मैंने सारी बातें आपको बता दी हैं जो जो महत्वपूर्ण बातें होती हैं वो सब में आपको हाँ बिल्कुल ध्यान रखना प्रेम सिंह जी धन्यवाद आपको समझ आ गया बहुत अच्छी बात है सर बातें बहुत ज्यादा होती हैं क्लास में क्या करें जिनका मकसद केवल बात करने का है, वो तो करेंगे जिनका पढ़ने का है वो अपना ध्यान पूरा पढ़ने पर अब देखो ये तो बात हो गई किसी भी वाक्य में जो अशुद्धि होती है उस अशुद्धि के मुख्य कारण क्या होते हैं तो ये तो छोटी छोटी सी बातें थी जिनका आपको अच्छे से पता होना चाहिए था हां बिल्कुल अब आगे बात करेंगे वाक्यगत अशुद्धि के अन्य कारण क्या होते हैं ये तो मूल कारण थे मैंने क्या कहा था वाक्यगत अशुद्धि के मूल दो कारण होते एक तो पद क्रम संबंधी अशुद्धि एक पद से संबंधित अशुद्धि तो ये दोनों बातें हो गई अब इसके आगे बात करेंगे पद से संबंधित अशुद्धि के अन्य कारण आगे उससे वाक्य अशुद्धि के अन्य कारण आगे बात करेंगे वाक्यगत अशुद्धि के अन्य कारण वाक्यगत अशुद्धि के अन्य कारण वाक्यगत अशुद्धि क्या क्या होते हैं उनका भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए उनका भी आपको ध्यान रखना है वाक्यगत अशुद्धि के जो अन्य कारण हैं वो क्या क्या है इनको भी ध्यान से समझना और ध्यान देना अब देखो वाक्यगत अशुद्धि के अन्य कारणों में ध्यान से समझना देखो संज्ञा से संबंधित अशुद्धि अव्यय से, से, से लिंग से वचन से कारक से काल से विराम चिन्ह से संबंधी लोकोक्ति मुहावरों से संबंधी इस प्रकार से अनेक प्रकार की अशुद्धियां और हो जाती हैं तो संज्ञा से संबंधित अशुद्धि अब संज्ञा से संबंधित अशुद्धि सबसे पहला होगा अब संज्ञा संबंधी अशुद्धि के भी दो कारण होते हैं और जो कारण है उनको ध्यान रखना कैसे मैंने कहा कि वाक्यगत अशुद्धि के अन्य कारण और वाक्यगत अशुद्धि के अन्य कारणों में सबसे पहला जो कारण लिखा मैंने वो क्या लिखा संज्ञा संज्ञा पद या संज्ञा संबंधी अशुद्धि सबसे पहला जो कारण लिखा वो क्या लिखा संबंधी अशुद्धि लिखा अब इससे संज्ञा संबंधी अशुद्धि के भी दो कारण होते हैं संज्ञा संबंधी अशुद्धि के भी दो कारण होते हैं एक तो अनावश्यक पद और एक अनुपयुक्त पद संज्ञा संबंधी अशुद्धि के भी दो कारण होते हैं वो कौन कौन से होते हैं एक तो अनावश्यक पद और एक अनुपयुक्त पद तो इसका भी आपको ध्यान रखना है तो इसके भी मैं दो कारण है वो लिख देता हूं एक तो कौन सा होता है अनावश्यक पद संबंधी अशुद्धि अनावश्यक पद संबंधी अशुद्धि कौन सा पहला कारण है अनावश्यक पद संबंधी अशुद्धि और इसका जो दूसरा कारण होता है वो कौन सा होता है अनुपयुक्त पद संबंधी अशुद्धि अनुपयुक्त पद संबंधी अशुद्धि तो कितने कारण हो गए दो कारण हो गए किसके संज्ञा संबंधी अशुद्धि के तो कई बार ऐसे पूछ लेता है तो जरूरी नहीं कि यहां पर ऐसे देख संज्ञा संबंधी ऐसे ना देखे अनावश्यक पद और अनुपयुक्त पद संबंधी अशुद्धि भी दे देता है तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी अनावश्यक पद संबंधी अशुद्धि की अनावश्यक पद संबंधी जो अशुद्धि होती है उसका कारण क्या होता है यह भी आपको ध्यान रखना है तो सबसे पहले लिखेंगे अनावश्यक पद संबंधी अशुद्धि अनावश्यक पद संबंधी अशुद्धि अनावश्यक पद संबंधी जो अशुद्धि है वो कौन सी होती है ध्यान रखना हाँ बिल्कुल दो बार लिख गया क्या संबंधी संबंधी अनावश्यक पद संबंधी अशुद्धि वाक्यगत अशुद्धि के अन्य कारण तो अनावश्यक पद संबंधी अशुद्धि अनुपयुक्त पद संबंधी संज्ञा संबंधी नहीं संज्ञा संबंधी अशुद्धि है संज्ञा संबंधी अशुद्धि है तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना हाँ बिल्कुल तो इसमें देखिए अनावश्यक पद संबंधी एक तो होता है जो पद होना चाहिए था वो पद नहीं आया उसकी जगह पर अनुपयुक्त पद आ गया तो इससे भी संबंधित अशुद्धि होती है तो सबसे पहले लिख रहा हूं मैं अनावश्यक पद संबंधी अशुद्धि अब अनावश्यक पद मतलब जहां पर उस पद की आवश्यकता ही नहीं थी फिर भी वो पद आ गया कैसे जैसे मैंने लिखा मैं मंगलवार के दिन व्रत रखता हूं मैं मंगलवार के दिन व्रत रखता हूं तो मैं मंगलवार के दिन व्रत रखता हूं अब आप एक बात बताइए मंगलवार का मतलब ही दिन नहीं होता क्या मंगलवार मंगल वार, वार और दिन में कोई अंतर है क्या वार का मतलब दिन ही तो होता है तो जब मंगलवार लिख दिया तो मैं मंगलवार को व्रत रखता हूं तो यह दिन की आवश्यकता है क्या तो क्या लिखेंगे इसको मैं मंगलवार को व्रत रखता हूं तो के दिन अनावश्यक है कि नहीं तो इसकी आवश्यकता है क्या नहीं है तो यह भी ध्यान रखना तो मैं मंगलवार के दिन व्रत रखता हूं तो यहां जो अशुद्धि है वो किसकी है अनावश्यक पद जिसकी आवश्यकता ही नहीं थी फिर भी लिख दिया तो ये अनावश्यक पद संबंधी हुई नहीं हुई तो मैं मंगलवार के दिन व्रत रखता हूं नहीं होगा मैं मंगलवार को व्रत रखता हूं यह इसका होगा ठीक है ना अब मैंने कहा आज आसमान की ऊंचाई में बादल है एक अगला देखो इसमें आज आसमान की ऊंचाई में बादल हैं अब मैंने यहां कहा कि आज आसमान की ऊंचाई में बादल है अब ये अनावश्यक है कि नहीं आज आसमान की ऊंचाई में बादल है अरे आसमान है तो वो तो खुद ही ऊंचा है उसके लिए ऊंचाई लिखने की आवश्यकता है क्या आसमान कह दिया तो आसमान नीचा तो ही नहीं सकता ऊंचाई होगा तो इसका मतलब क्या होगा आज आसमान में बादल है आज आसमान में बादल है तो की ऊंचाई की आवश्यकता है क्या नहीं है अब ये अनावश्यक लिख दिया नहीं लिख दिया जिसकी कोई आवश्यकता ही नहीं थी की की कोई आवश्यकता ही नहीं थी तो ये अनावश्यक हुआ नहीं हुआ आज आसमान की ऊंचाई में बादल है, है अनुपयुक्त पद अनुपयुक्त पद कैसे होता है जैसे वहां पशु रेंक रहे हैं अरे पशु रेंकते हैं क्या गदा रेंकता है तो वो क्या है अनुपयुक्त पद लिख दिया तो ऐसे क्या है पद गलत हो जाते तो एक तो होता है अनावश्यक पद एक होता है अनुपयुक्त पद तो यह भी आपको ध्यान रखना है बिल्कुल हां बिल्कुल और उदाहरण लिख रहा हूं मैं ध्यान देना उसमें जैसे मैंने लिखा भारतीय नारी भारतीय नारी अब इसमें क्या है भारतीय नारी क्या है शीर्षक निबंध कैसा है मैंने लिखा भारतीय नारी नामक शीर्षक निबंध अच्छा है भारतीय नारी नामक शीर्षक निबंध अच्छा है अब ध्यान देना यहां पर अब यहां पर जो अशुद्धि वो किस प्रकार की अशुद्धि है तो मैंने लिखा भारतीय नारी नामक शीर्षक निबंध अच्छा है अब नामक लिख दिया या शीर्षक लिख दिया तो दोनों एक साथ कैसे आ सकते हैं भारतीय नारी नामक अच्छे से समझना ध्यान देना इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं अनावश्यक पद संबंधी अब देखो दोनों एक साथ आएंगे क्या नामक भी और शीर्षक भी दोनों आ सकते हैं क्या नहीं आ सकते तो भारतीय नामक भारतीय नारी शीर्षक निबंध अच्छा है क्या लिखेंगे भारतीय नारी शीर्षक निबंध अच्छा है इसमें नामक की आवश्यकता थी क्या नहीं थी फिर भी ये आ गया इसका मतलब ये क्या है अनावश्यक पद है जिसकी कोई आवश्यकता थी ही नहीं आवश्यकता नहीं थी फिर भी लिख दिया तो ये अशुद्धि हुई इसका मुख्य कारण क्या निकला अनावश्यक पद जैसे मैंने आपको कहा मैं प्रातः काल के समय घूमने जाता हूं आगे समझो एक उदाहरण बहुत अच्छा लिख रहा हूं मैं उसको भी ध्यान देना इसका समझ लिया होगा मैं और लिख रहा हूं मैं मैं प्रातः काल के समय मैं ध्यान रखना विसर्ग के ऊपर से कभी भी शिरोरेखा नहीं गुजर सकती तो मैं प्रातः काल के समय घूमने जाता हूं मैं प्रातः काल के समय घूमने तो जाता हूं तो देखिए यहां पर अब बताइए प्रातः काल के समय घूमने जाता हूं तो प्रातः काल समय तो है उसके लिए लिखने की आवश्यकता है क्या हाँ बिल्कुल तो मैं प्रातः काल घूमने जाता हूं के समय की आवश्यकता है क्या और अगर काल नहीं लिख रहे हो तो मैं प्रातः के समय घूमने जाता हूं तो जब काल आ गया तो समय की आवश्यकता नहीं है दोनों का अर्थ एक ही है तो ये भी आपको ध्यान रखना है तो मैं प्रातः काल घूमने जाता हूं अब ये के समय क्या है इसमें अनावश्यक है जिसकी कोई आवश्यकता थी ही नहीं आवश्यकता नहीं है फिर भी लिख रहे हो इसका मतलब ये क्या हो गया अनावश्यक पद संबंधी अशुद्धि होगी क्या होगी अनावश्यक अब मैंने आपसे कहा जैसे आपसे मैं कह दू जैसे आपकी परीक्षा आपकी परीक्षा 25 तारीख के दिन होगी अब मैंने क्या आपकी परीक्षा 25 तारीख के दिन होगी तो अनावश्यक हुआ नहीं हुआ तो इसका शुद्ध रूप क्या हुआ मैं प्रातःकाल घूमने जाता हूं अब दूसरा देखो मैं एक उदाहरण लिख रहा हूं मैंने लिख दिया यहां पर जैसे आपकी परीक्षा क्या लिखा मैंने आपकी परीक्षा छब्बीस तारीख के दिन होगी आपकी परीक्षा छब्बीस तारीख के दिन होगी अब इसको समझना मैंने क्या लिखा है यहां आपकी परीक्षा छब्बीस तारीख के दिन होगी अब छब्बीस तारीख लिख दी तो इस के दिन की आवश्यकता है क्या के दिन की आवश्यकता है क्या कोई आवश्यकता नहीं तारीख ही लिख दिया तो फिर दिन लिखने की आवश्यकता क्या हुई जरूरत है क्या नहीं तो मैंने कहा आपकी परीक्षा जब इसको शुद्ध रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे आपकी परीक्षा 26 तारीख को होगी आपकी परीक्षा 26 तारीख को होगी तो के दिन की कोई आवश्यकता थी क्या कोई आवश्यकता नहीं थी फिर भी इसको लिख दिया तो ये क्या हो गया अनावश्यक पद संबंधी अशुद्धि हो गई इसे क्या कहेंगे अनावश्यक पद संबंधी तो जब किसी वाक्य में किसी अनावश्यक पद को रख दिया जाता है उससे जो अशुद्धि होती है उसको क्या कहते हैं अनावश्यक पद संबंधी अशुद्धि होती है एक होती है अनुपयुक्त पद अब अनुपयुक्त पद कैसे होता है यह भी एक थोड़ा सा समझ लो जैसे मैंने कहा विजय को सफल होने की निराशा है अब विजय को सफल होने की निराशा है सफल होने की किसी को निराशा होती है क्या खुशी होती है आशा होती है तो विजय को सफल होने की आशा है आशा की जगह निराशा लिख दिया इसका मतलब अनुपयुक्त पद लिख दिया पद कैसा था अनुपयुक्त था और यहां पद कैसा था अनावश्यकता जिसकी कोई आवश्यकता नहीं होती तो तो भी आपको ध्यान रखना। तो इस प्रकार से जो होती हैं, हैं? इनको क्या कहते अनावश्यक पद संबंधी अशुद्धियां कहते हैं तो यहां तक समझ आ गया होगा किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन नहीं रही होगी तो आज के लिए इतना ही काफी है तो याद रखना कभी टूटते हैं तो कभी बिखरते हैं कभी टूटते हैं तो कभी बिखरते हैं विपत्ति से ही इंसान ज्यादा निखरते हैं और एक चीज जीवन में याद रख लेना कुछ लोग घबरा जाते हैं विपत्तियों से बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है यदि आपके जीवन में विपत्तियां नहीं आई हैं यदि आपने अपने जीवन में कष्ट नहीं देखे हैं इसका मतलब आप अभी पैदा ही नहीं हुए हैं तो विपत्तियों का सामना करना ये मनुष्य का ही कर्म होता है जितने ही आपके जीवन में विपत्तियां आएंगी उतने ही आप निखरोगे और जो विपत्तियों को पार करता जाता है वही इतिहास रचता है तो आज के लिए इतना ही काफी है नौ बजे फिर मिलेंगे महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के साथ तब तक के लिए सभी भाई बहनों को नमस्कार धन्यवाद जय श्री कृष्णा राधे राधे